वहीं पवन सिंह की तो बात ही कुछ निराली है। खुद को बिजी रखकर पवन अपने चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं, फिर चाहे वो फिल्म हो या फिर उनके नए नए गाने। अब देखिए ना, जहाँ इस साल पवन की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो वहीं वो अपने नए नए गाने भी लेकर आए हैं। लेकिन भाई इस बार तो पवन ने 2 हफ्ते में ही एक ऐसा विस्फोट कर दिया जिससे भोजपुरी के दूसरे स्टार्स भी हिल गए होंगे। और ये विस्फोट किए हैं पवन ने अपने नए गानों से। जी हाँ, कौन से हैं वो 4 धमाकेदार विस्फोटक गाने, चलिए जल्दी से बताते हैं आपको। पहला विस्फोटक सॉन्ग नंबर ब्लॉक है। पवन ने अपने इस नए गाने की अनाउंसमेंट की थी 22 जनवरी को, जिसके बाद उन्होंने 24 जनवरी को इसका ऑडियो वर्जन रिलीज किया, जिसे उनके फैंस का भरपूर प्यार मिला। और यही वजह है कि इस गाने को अभी तक 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दूसरा विस्फोटक सॉन्ग भौजी फेका तारी हर हर। ये गाना पवन का इस साल का पहला होली सॉन्ग है, जिसकी अनाउंसमेंट पवन ने 29 जनवरी को पोस्ट करके की थी। इसके अगले ही दिन इस गाने को पवन सिंह ऑफिशियल पर रिलीज कर दिया गया। अभी तक इस गाने को 1.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लगातार इस गाने के व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। तीसरा विस्फोटक सॉन्ग। और इन 2 विस्फोटक गानों के बाद पवन अपना एक और होली गीत लेकर आए, जिसका नाम ये था, जिसे SRK म्यूजिक पर रिलीज किया गया और सिर्फ 6 दिन में ही इसे 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भी देख लिया। इस गाने में एक बार फिर से पवन का साथ दिया सिंगर प्रियंका सिंह ने, जो अभी भी धमाल मचा रहा है। और चौथा विस्फोट अरे मोरे साली। इस गाने ने तो आते ही धमाल मचा दिया था। महज 8 घंटे में ही इस गाने को 4.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे और लगातार इसके व्यूज में इजाफा हो रहा था। लोगों को इस गाने में पवन और काजल की जोड़ी खूब रास आ रही है, तभी तो दिनों दिन इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो इस तरह से पवन सिंह ने महज 2 हफ्ते में ही ये 4 धमाकेदार गाने रिलीज कर दिए। अब आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको इन 4 गानों में से कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।